हम सभी चारों सेक्टर वासी, चारों सेक्टरों के वासी हैं, प्रधान चारों के। हमने मीटिंग करके ये फैसला लिया, अन्नदाता हमारे लिए बहुत कुछ है, सरकार ने तो 3 बिल दिए हैं वो खराब गलत है। अन्नदाता कह रहा है कि इनको वापिस लो, हम उनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। समर्थन ये तो एक आज ये दिखाया हमने, समर्थन दे रहे हैं। हम वहाँ जाएंगे दिल्ली उनके पास, उनको वहाँ जाके समर्थन देंगे। ये तो आप लोगों के माध्यम से हमने बताया है, पत्रकारों के माध्यम से। अगर हम सेक्टरों ने प्रदेश के खिलाफ है, दादेश के खिलाफ किसानों को समर्थन दिया है, हमारी 51 सदस्यीय टीम है बनाई जाएगी इसके लिए, हम वहीं रहेंगे उनके साथ, तन मन धन। हम खाने पीने का सामान भी लेके जाएंगे गाड़ियों में, हर तरह की जो किस भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा किसान यूनियन, पंजाब किसान यूनियन जो हमें आदेश देगी ना, जिस तरह की वो कहेंगे उसी तरह हम करेंगे। जो भी मदद हमारे से होगी वहाँ जाके जिस अनुरूप से पैसा भी लगाएंगे हम अपने, मतलब हर तरह से उनको मदद करेंगे। तो किस तरह का रहेगा आपका मदद का प्रदर्शन का नया तरीका क्या रहेगा? नया तरीका ये रहेगा, जिस तरह यहाँ से खाने का सामान लड्डू वगैरह लेके बनवा के हम सभी साथी वहाँ, जो जिस तरह रोटियाँ पकाने वाले ले जाएंगे, खाना बनाने वाले ले जाएंगे, जितने भी आदमियों का सारा राशन होगा वहाँ, जितने भी आदमी देख के जाएंगे उस हिसाब से हम अपना अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। खाना बनाने वाले भी हम लेके जाएंगे वहाँ, वहाँ लंगर लगाएंगे हम सेक्टरों की तरफ से। जो 3 अध्यादेश हैं, सरकार की, केंद्र सरकार की क्या मंशा, क्यों नहीं पूरी करी किसान? केंद्र सरकार की ये मंशा है, जो जिस तरह आड़ती और किसान का एक नाता है, केंद्र सरकार अडानी अंबानी जो पूंजीपति हैं उनको हमारे ऊपर थोप रही है। हम हमारी डिमांड है जो तुम लागू करो ये, लेकिन इसमें एक शर्त और है, MSP लागू करो। ये हमें श्योर होना चाहिए रिटर्न में कि MSP से नीचे फसल की खरीद नहीं होगी। सरकार इसमें हमें संदेह है, सरकार क्यों नहीं लिख के दे रही, सरकार बिल में क्यों नहीं लिख रही अगर भाई MSP से नहीं लिया जाएगा, MSP से नीचे खाद्यान्न नहीं लिया जाएगा। सरकार की मंशा है कि किसान को किसान के साथ मजदूर भी लगा हुआ है, छोटा व्यापारी भी किसान के साथ लगा हुआ है, भाई इनको सबको कमजोर करके और जो ये पूंजीपति हैं उनके हाथों का खिलौना बना देंगे। किसान इस बात से सहमत नहीं है, फसल उगावा हम मजदूरों के साथ मिलके, हमारे साथियों के साथ मिलके, और हमारे जो हमारे बेनिफिट हमारे कुछ होगा नहीं, पूंजीपति उसमें ले लेंगे। मुझे पता चला है कि अडानी ने आपसे वाड़खा के पास 2000 एकड़ जमीन खरीद ली सब स्टोर बनाने के लिए। क्या का स्टोर बनाएगा वो? सो हमारी जो जमीन खरीदेगी जाएगी, जो हमारा अनाज खरीदेंगे ना ये, उसी का स्टोर बनेगा। अनाज अपने भाव से खरीदेंगे, जिससे आज से 100 साल 150 साल पहले था, आज़ादी से पहले किसान के खेत में जाकर जो पूंजीपति होते थे उस वक्त क्या उसको कहेंगे, अगर लाला जी ये कह दिया यार दे जा भाई तेरा खाने के दाने रख और बाकी भाग दे दे। यही ट्रेडिशन बिहार में लागू है, ये बिहार का किसान 5-6 एकड़ का किसान यह हमारे मजदूरी करता है, 5-6 एकड़ का किसान बढ़िया किसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ उनको उनकी फसल के दाम नहीं मिल रहे, भाव 2000 रुपये है वहाँ का, वो खरीद रहे हैं उनको 800-700 में, तो क्या जमींदार के पास कुछ बच जाएगा?